अथ ज्ञानरत्नम् वेद रूप उदधि में ज्ञान रत्न सुधासम करके यतन ताको मथि के निकालिए। वेद रूप उदधि में ज्ञान रत्न सुधासम करके यतन ताको मति के निकालिए। गुरुदेव विष्णु है युक्ति की नेति करी, वार वार को अभ्यास ही मथन करी पालिए। जीव देव अधिकारी निर्बल होए रहा, प्याय ज्ञान सुधा असुर अहंकार गालिए। कीनी है जुगत भयो विष्णु समो गुप्त सुधा, सुरों को पिलाय कर असुरों को जालिए। सुरों को पिलाय कर असुरों को जालिए। अर्थ यह है कि एक काल में देवता दैत्यों से निर्बल हो गए, तब हार मान करके विष्णु भगवान के पास आके कहने लगे कि हे भगवन, हम देवता तो निर्बल हो गए हैं, आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति दीजिए कि हमारे को बल की प्राप्ति हो। तब विष्णु भगवान देवताओं और दैत्यों को इकट्ठे कर कहने लगे कि चलो समुद्र को मंथन कर अमृत निकाल के तुम्हारे को पिलावें। अब इस संबंध में बहुत विवेचन करने से कुछ प्रयोजन नहीं है, जो कोई बात दृष्टांत अनुकूल है सो आगे लिखी जावेगी। यहां दृष्टांत में विष्णु भगवान की नाई गुरु है और समुद्र की नाई वेद है, जिसमें अमृत के समान ज्ञान रूपी रत्न है। इसकी प्राप्ति के लिए सत्संग से लेकर निधिध्यासन पर्यंत जो साधन कहे हैं सोई यत्न है। इन यत्नों से ज्ञान रूपी रत्न निकालना चाहिए। गुरुओं से जो नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा बोध संपादन किया है, उनकी रस्सी बना के उससे वारंवार अभ्यास रूपी मंथन करे। ऐसे अभ्यास को पालना अर्थात पुष्ट करना चाहिए। और यह जीव ही देवताओं की नाई है, जो निर्बल कहिए अपने व्यापक ब्रह्म भाव को भूल के अनेक प्रकार के जीवत्व धर्मों को निश्चय करके तुच्छता को प्राप्त हो रहा है, यही इसमें निर्बलता है। इसी पर तेरे को एक बाघ बकरी न्याय सुनाते हैं। सो यह है कि किसी एक बाघिन ने बाघ जाया था, उसी काल में किसी कारणवश वह बाघिन तो भग गई और उसका बच्चा वहीं पड़ा रह गया। तब किसी ग्वालिये ने उसे उठाकर अपनी बकरियों में मिला लिया। वह शेर का बच्चा बकरियों का दूध पीकर उनके संग घास खाया करता था। वह अपने को बोकड़ा समझने लगा और काल पाए कि बड़ा हो गया। तब किसी दिन उन बकरियों को देख के किसी वन का एक शेर चला आया और उनको पकड़ने के वास्ते चला। ये बकरियां भय की मारी भगने लगी और उनके साथ वह शेर भी भगा। तब वन के शेर ने कहा, अरे मूर्ख, तू कैसा शेर है, बकरियों के संग में भगा फिरता है। तब वह बोला कि मैं शेर कैसे हूं, मैं तो बोकड़ा हूं। यह सुनकर वह वन का शेर कहने लगा, अरे मूर्ख, तू कुछ विचार के देख, जैसे शेर हम है तैसा ही शेर तू भी है, इन बकरियों में काहे को फिरता है। तू देख तो सही, जैसा हमारा स्वरूप है तैसा ही तेरा स्वरूप है,
तब उन बकरियों में रहने वाले शेर ने उस बन के शेर की तरफ देखा और फिर अपने शरीर की तरफ देखा, तो जैसा रंग रूप उसका था तैसा ही अपने को भी देखा। तब उसको कुछ संस्कार फुर आए और उस बन के शेर को दहाड़ लगाई, और जिन कर्मों के संयोग से शेर का शरीर रचा था वे भी फुर आए। तब तो वह कूदने लगा और अपने को शेर रूप जानने लगा और उन बकरियों को मार मार के खाने लगा। इस संबंध में दृष्टांत यह है कि यह चेतन आत्मा ही एक शेर है, जिसे मन रूपी ग्वालिये ने शरीर तथा इंद्रियां रूपी बकरियों के साथ मिला दिया है। यह चेतन आत्मा शरीर व इंद्रियों में मिलकर उनके जो धर्म है उन्हें वृथा ही अंगीकार करने लगा, अर्थात स्थूलोहम कृशोहम बधिरोहम ऐसा अहंकार करके अपने को शरीर मानने लगा, और इस प्रकार शरीर व इंद्रियादि के धर्मों को अपने जानने लगा। तब नाना प्रकार के जीवत्व धर्मों का अपने में आरोपण करके नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त हुआ। फिर किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से बन के शेर की नाई जो विचारवान महापुरुष हैं, उनसे मिलाप होने पर जब वे बन के शेर की नाई उसे समझाते हैं कि अरे तू तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, फिर अपने में शरीर इंद्रियादि के धर्मों को क्यों आरोपण करता है, तू तो उत्पत्ति नाश रहित परिपूर्ण सर्व धर्मों से रहित ब्रह्म स्वरूप है, जैसे बन के शेर ने दहाड़ लगाई थी तैसे ही महात्मा पुरुष अहम ब्रह्मास्मि ऐसी दहाड़ सुनाते हैं, तब बकरियों के शेर की नाई जो जिज्ञासु है उसको पूर्व अनेक बार वेदांत शास्त्र का श्रवण होने से उसके संस्कार अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण गुरुजनों के मुखारविंद से वचन सुनते ही उनके बल से मैं ब्रह्म रूप हूँ ऐसी स्मृति आ जाती है और वह अपने को ब्रह्म रूप जानता है। इस प्रकार बकरीपना जो जीव भाव है सो छूट जाता है। यही निर्बलता इस देवता रूपी जीव में हो रही है। जैसे विष्णु भगवान ने समुद्र से अमृत रत्न को निकाल के देवताओं को पिलाया तब वे बल को प्राप्त होकर असुरों को मार सके, तैसे ही यहाँ विष्णु रूप गुरु ने समुद्र रूपी वेद से सुधा की नाई जो ज्ञान रत्न है उसको नाना प्रकार की युक्ति रूपी रस्सी से मंथन करके अधिकारी पुरुषों को पिलाया है। तब उन्होंने ब्रह्म भाव रूपी बल को प्राप्त करके परिच्छिन्न अहंकार रूपी असुरों को मारा है, और जैसे विष्णु ने देवता और असुरों का आपस में विवाद हुआ तब युक्ति से मोहिनी रूप धारण किया, तब उस रूप को देख के असुर मोहित हो गए, उस समय देवताओं को सुधा और असुरों को सुरा पिला के उनके विवाद को मिटा दिया, तैसे ही देव रूपी जीव और अनात्म अहंकार रूपी असुरों का जो आपस में विवाद है उसको मेटने के लिए विष्णु रूपी गुरु अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट युक्ति करके परिच्छिन्न अहंकार रूपी असुर को ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करके जला देते हैं। यही कवित्त का अर्थ है। अब ज्ञान का कुछ कथन किया जावेगा। सो ज्ञान क्या है, ऐसा कोई पूछे तो सुन, जिससे पदार्थ की ज्ञात होवे उसको ज्ञान कहते हैं। पदार्थों की ज्ञात तीन प्रकार से होती है, कहीं तो अनुमान से ज्ञात होती है जैसे पर्वतो वन्निमान, कहीं स्मृति रूप करके ज्ञात होती है जैसे वह महात्मा, और कहीं इदम रूप करके ज्ञात होती है जैसे यह महात्मा। इसी प्रकार ज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं,
अब ज्ञानों को दिखाते हैं। जहाँ पर्वत आदि में वन्नी आदि का ज्ञान है सो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान के और भी बहुत भेद हैं सो न्याय के ग्रंथों में लिखे हैं। परंतु यह अनुमान ज्ञान हेतु अंश में तो प्रत्यक्ष ही होता है और साध्य अंश में अनुमिति रूप होता है। सो भी प्रत्यक्षता को लेकर ही जो वन्नी आदि का परोक्ष ज्ञान है उसका कारण होता है, और जो पूर्व देखे महात्मा आदि की ज्ञात कराता है उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। इसके भी बहुत भेद हैं। कोई स्मृति यथार्थ ज्ञान जन्य संस्कारों से होती है सो यथार्थ स्मृति कही जाती है, और ब्रह्म ज्ञान जन्य संस्कारों से जो स्मृति होती है वह अयथार्थ स्मृति कही जाती है। इनके भी आगे दो दो भेद हैं। कोई बात संक्षेप में लिखी हो परंतु पूर्व दृष्ट पदार्थ के ज्ञान जन्य संस्कार विद्यमान होने और सादृश्य वस्तु का दर्शन आदि होने से यह स्मृति ज्ञान अपने विषय का ज्ञान कराता है, परंतु यह भी पूर्व दृष्टत्व प्रत्यक्षता को लेकर ही तत् अंश स्मृति करवाता है। सो तत् अंश में तो स्मृति रूप है और पूर्व दृष्टत्व अंश में प्रत्यक्ष रूप है। इससे वह भी प्रत्यक्ष रूप होने से प्रत्यक्ष की सहायता को लेकर अपने विषय की सिद्धि करता है। जो इदम पदार्थ की ज्ञात कराने वाला ज्ञान है सो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जैसे यह महात्मा है सो छह प्रकार का होता है। कहीं तो श्रोत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है सो शाब्दिक ज्ञान कहता है, और कहीं चक्षु इंद्रिय करके होता है सो चाक्षुष ज्ञान कहा जाता है, और कहीं घ्राण इंद्रिय से होता है सो घ्राणज ज्ञान कहा जाता है, और जहां त्वचा से ज्ञान होता है सो त्वाच ज्ञान कहा जाता है, और रसना से होता है सो रसना ज्ञान कहता है, और जो मन से होता है सो मानस ज्ञान कहा जाता है। जैसे सुख दुख का जो ज्ञान है सो मानस प्रत्यक्ष कहता है, और शब्द का ज्ञान श्रोत्र से प्रत्यक्ष होता है, तैसे ही रूप का ज्ञान चक्षु से प्रत्यक्ष होता है, और गंध का ज्ञान नासिका से प्रत्यक्ष होता है, और ठंडे गर्म का ज्ञान त्वचा से प्रत्यक्ष होता है, तैसे ही रस का ज्ञान रसना से प्रत्यक्ष होता है। इस रीति से प्रत्यक्ष ज्ञान षट प्रकार का होता है, परंतु यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रमा और दूसरा अप्रमा कहता है। जैसे रज्जु में अंधकार आदिक दोष करके सर्प आदि का जो ज्ञान है सो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, और रज्जु का जो रज्जु रूप से ज्ञान है सो प्रमा ज्ञान होता है, इसी को यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। यह तो ज्ञान का साधारण लक्षण है, और जो केवल एक आत्मा का ही ज्ञान है सो वह ज्ञान का असाधारण लक्षण है। जैसे नेत्र से एक रूप का ही ज्ञान होता है सो उसका साधारण लक्षण है, और यदि ऐसा पूछे कि आत्मा का ज्ञान कौन प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है तो सुन, यह कहना ऐसा है जैसे कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश किस लौकिक पदार्थ से होता है। इस वचन को सुन के दूसरा पुरुष कहता है, अरे मूर्ख, जितने लौकिक पदार्थ हैं सो तो सारे ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाश कर सकता है। तैसे ही जितने प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य कर्ता क्रिया कर्म ये सब त्रिपुटी हैं, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा के प्रकाश को पाकर ज्ञान वाली होती हैं।
आत्मा का ज्ञान इनसे नहीं होता है, क्योंकि ये तो सभी अनात्म और जड़ है। इस प्रकार के पदार्थ से किसी का प्रकाश होता नहीं, परंतु जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहा दूसरे पदार्थों को प्रकाश कर सकता है और जला भी सकता है, परंतु उस अग्नि के प्रकाश करने में और जलाने में उस लोहे की सामर्थ्य नहीं होती है, तैसे ही यह जो प्रमाता प्रमाण आदि त्रिपुटी है सो आत्मा के तादात्म संबंध से ज्ञान वाली होती है। तब इनसे किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, परंतु आत्मा का ज्ञान उनसे कैसे होवे? आत्मा तो स्वयं प्रकाश है और सर्व त्रिपुटी को प्रकाश करता है। इस प्रकार का चेतन आत्मा तू ही व्यापक ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा तू ही है। इसी बात को तू अपना निश्चय कर। जब ऐसा तुझे दृढ़ निश्चय होगा तब उसी को तू दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जानना। यह ज्ञान श्रोत्र संबंधी वाक्य से होता है, परंतु वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो महावाक्य और दूसरे अवांतर वाक्य होते हैं। जो वाक्य अस्थि रूप से बोध करे उससे परोक्ष ज्ञान होता है, जैसे दशमोस्ति, इस वाक्य से दशम का परोक्ष ज्ञान ही होता है। और जहां वाक्य ऐसा बोध करे कि दशमा तू है, वहां वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान तत्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानमानंदम् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों से होता है। मैं ब्रह्म रूप हूं, ऐसा ज्ञान श्रोत्र संबंधी महावाक्य से ही होता है। और सत्यम ज्ञानमनंतम् ब्रह्म आनंदो वै ब्रह्म, ऐसे जो अवांतर वाक्य हैं उनसे ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान ही होता है, सो मुक्ति का हेतु नहीं होता है। दूसरा जो महावाक्य का उपदेश गुरुमुख से श्रवण किया है और तत्त्वम पद के शोधन पूर्वक अर्थात माया अविद्या को त्याग के शुद्ध चेतन मात्र को सर्व भेदों से रहित अपना ही स्वरूप करके जानने को ही अभेद निश्चय अभेद ज्ञान कहते हैं, और यही मुक्ति का देने वाला है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के ज्ञानों का कथन करने में आता है, परंतु ये कोई भी मुक्ति के देने वाले नहीं है। नैयायिक आदि अज्ञानाभाव को भी ज्ञान कहते हैं, सो अत्यंत विरुद्ध है, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान का अभाव किसी रीति से बनता नहीं, अर्थात किसी कारण से ही कार्य का अभाव होता है। जैसे घट अभाव रूप कार्य प्रतियोग के नाश रूप कारण के बिना अथवा प्रतियोगी के उठा ले जाने के कारण बिना अभाव किसी रीति से नहीं बनता है, और जो ऐसा कहे कि अज्ञान से ही अज्ञान का अभाव होता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि आत्माश्रय आदि दोषों की प्राप्ति होगी। इससे जाना जाता है कि अज्ञान का अभाव एक ज्ञान से ही होता है, जैसे अंधकार का नाश और किसी से नहीं होता है, एक प्रकाश से ही होता है, तैसे ही अज्ञान का नाश भी और किसी से नहीं होता है, एक ज्ञान से ही नाश होता है। इस रीति से अज्ञान रूप कार्य के नाश करने में एक ज्ञान ही कारण है, परंतु यह ज्ञान भी अज्ञान के नाश करने में तभी समर्थ होता है जब कोई प्रतिबंधक नहीं हो। प्रतिबंधक के होने से ज्ञान अज्ञान का नाश नहीं कर सकता है, जैसे राहु के रथ की छाया पड़ने से चंद्रमा प्रकाश नहीं करता है। और जो ऐसा कहे कि प्रतिबंध किसको कहते हैं, तो सुन, श्रवण से
पूर्व काल में जो किसी पदार्थ में चित्त की दृढ़ आसक्ति हो उसी का श्रवण काल में बारंबार चिंतन होता है, उसको भूत प्रतिबंध कहते हैं। और भावी यह है कि जैसे प्रारब्ध कर्म, यह भी अनेक प्रकार का विलक्षण होता है। जैसे किसी एक ही कर्म को 10 शरीरों का आरंभ करना है तो पहले शरीर में ही तत्वमसी आदि महावाक्य का श्रवण होने से भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आगे 9 जन्म बाकी पड़े हैं, सो ही ज्ञान के प्रतिबंध है। जैसे सनकादिकों ने वामदेव आदि अधिकारी प्रजा को ज्ञान का उपदेश किया, परंतु प्रतिबंध के होने से वामदेव को अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि एक जन्म उसका बाकी और रहा था। ऐसे जन्म रूपी प्रतिबंध के अभाव होने से माता के गर्भ में ही पूर्व के श्रवण से ज्ञान हो गया, यह वार्ता शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तैसे ही भरत के 3 जन्म बाकी रहे थे, जब उनकी निवृत्ति हुई तब उसको ज्ञान हुआ, इसको आगामी प्रतिबंध कहते हैं। तीसरा जो वर्तमान प्रतिबंध है सो 4 प्रकार का होता है। एक तो विषयों में आसक्ति, दूसरा बुद्धि की मंदता, तीसरा पूर्व काल में जो भेदवादियों के वचनों का श्रवण किया है उनके संस्कारों से अनेक प्रकार की वेद विरुद्ध भेद की तर्कना, जिनको कुतर्क कहते हैं, और चौथा दुराग्रह विपर्यय है। इस जीव के अनेक जन्मों में जीवत्व धर्मों का दृढ़ निश्चय होने से श्रवण काल में जीव भावना बनी रहती है और ब्रह्म भावना नहीं होती है, इसी को दुराग्रह जानना। जब तक यह विपर्यय होता है तब तक मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता है, इसी से इसको प्रतिबंध कहते हैं। भूत प्रतिबंध की और वर्तमान प्रतिबंध की तो उपाय करने से निवृत्ति हो जाती है, परंतु तीसरा जो भावी प्रतिबंध है उसकी निवृत्ति विलक्षण कर्म के भोगने से ही होती है, इससे उसमें पुरुषार्थ नहीं चलता है। परंतु प्रथम दोनों की तो पुरुषार्थ करने से निवृत्ति हो जाती है, इसलिए जिज्ञासु पुरुषों को उनकी निवृत्ति अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के प्रतिबंध से रहित होते ही मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। वासना भी ज्ञान की प्रतिबंधक होती है, और सो वासना 2 प्रकार की होती है। एक तो शुद्ध वासना होती है जो कि जिज्ञासु को होती है, यह जन्मों का नाश करने वाली है, और दूसरी मलिन वासना होती है। सो 3 प्रकार की होती है। एक तो लोक में पूजे जाने की जो इच्छा है उसे लोक वासना कहते हैं, दूसरी देह वासना है, वह अनेक प्रकार की होती है। मेरी देह बहुत अच्छी है, मेरी जाति सबसे उत्कृष्ट है, मेरा अंग गोरा है, सर्व शरीरों से मेरा शरीर अच्छा है, आदि इस प्रकार की सभी वासना मलिन वासना कही जाती है और जन्मों को देने वाली होती है। तथा तीसरी शास्त्र वासना होती है, सो भी कोई तो पाठ वासना होती है, कोई अर्थ वासना, आदि इस प्रकार शास्त्र वासना के भी बहुत भेद है। परंतु ये सभी मलिन वासनाएं हैं और जन्मों के देने वाली हैं, इसलिए यह वासना भी ज्ञान का प्रतिबंध होने के कारण त्याग करने योग्य है। 6 प्रतिबंध अभिनिवेश है, उसी को सांख्य मत में महत्तत्व कहते हैं, और वेदांत वाले उसे हृदय ग्रंथि और सूक्ष्म अहंकार भी कहते हैं। पूर्व के सूक्ष्म संस्कारों का दृढ़ अध्यास होने से अनात्म स्थूल सूक्ष्म संघात है, उसे आत्मा रूप करके जानने और श्रवण काल में भी यही भावना बनी रहने से इसको प्रतिबंध कहा है। उक्त प्रकार की भावनाओं का त्याग करना चाहिए,
क्योंकि विरोधी की निवृत्ति हुए बिना कार्य की सिद्धि होती नहीं है, इसीलिए विरोधी की निवृत्ति की आवश्यकता है। इस रीति से प्रतिबंध से रहित जो यथार्थ ज्ञान है वह मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कराता है। जो पुरुष चारों साधन संपन्न हो और जिसकी बुद्धि सर्व प्रतिबंधों से रहित हो, केवल उसको महावाक्य के अर्थ का श्रवण होते ही मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार ब्रह्म आत्मा के एकत्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञानवान पुरुषों के लक्षण शास्त्रों में नीचे लिखे अनुसार कहे हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम् क्षमा दया सर्व जनप्रियत्वम् निर्लोभदाता भयशोकहीनम् ज्ञानं प्रलब्ध्वा दशलक्षणानां निरहटो निर्विवादश्च निःशङ्कश्च निरंकुशः तृप्तश्च कृतकृत्यश्च ज्ञानिनः षट सुलक्षणम्। अर्थ यह है कि क्रोध रहित होना, वैराग्यवान होना, जितेंद्रिय अर्थात खोटे विषयों से मन तथा इंद्रियों को रोकने वाला होना, क्षमावान होना, दयावान होना, प्राणी मात्र पर विशेष प्रकार का प्रेम करने वाला होना, निर्लोभी होना, दाता अर्थात ब्रह्म ज्ञान का देने वाला होना, भयहीन अर्थात जन्म मरण के भय जिसके चले गए हैं, और सांसारिक पदार्थों के वियोग में जिसे शोक नहीं है, ये दश लक्षण उसी में होते हैं जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञानी पुरुषों के षट लक्षण और भी होते हैं। निरहट अर्थात किसी प्रकार का किसी से हट नहीं करते हैं। निर्विवाद अर्थात विवाद भी किसी से नहीं करते हैं। निःशंक अर्थात आत्मवस्तु में कोई भी शंका उनको नहीं है, और किसी वेद शास्त्र की आज्ञा रूपी अंकुश उनके सिर पर नहीं होता है, इसी से वे निरंकुश हैं। आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और कृतकृत्य हैं। इसी पर भगवान ने कहा है, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। विज्ञानमान किसी पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है, और लौकिक तथा वैदिक सर्व कार्यों से रहित होता है। ये षट लक्षण और उक्त दस ऐसे 16 लक्षण ज्ञानवानों के कहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी अमानित्व आदि बहुत लक्षण हैं। तात्पर्य यह है कि जितने लक्षण जिज्ञासु में होते हैं वे प्रयत्न साध्य होते हैं, और ज्ञानवान में वे स्वाभाविक ही होते हैं। इस बात को सुनके शिष्य कहता है, हे भगवन, यह जो आपने ज्ञान का कथन किया है, इसमें ज्ञान का कारण कौन है, और उसका स्वरूप तथा फल क्या है, और उसकी अवधि किस प्रकार है, सो ये सब आप कृपा करके बताइए। गुरु कहते हैं, हे शिष्य, अब तू ज्ञान के कारण आदि का श्रवण कर।
प्रथम तो विवेक आदि चार ज्ञान के कारण है, परंतु ये चारों कारण श्रवण में प्रवृत्ति द्वारा है, क्योंकि बहिर्मुख का तो श्रवण में अधिकार ही नहीं होता है। और श्रवणादिक जो तीन है सो भी असंभावना और विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा ज्ञान के कारण है। और साक्षात कारण तो श्रोत्र संबंधी महावाक्य ही होते हैं, वे ही ज्ञान के मुख्य कारण है। सत्य मिथ्या का विचार करके जीव ब्रह्म की एकता का जो निश्चय किया है वही ज्ञान का स्वरूप है। और सर्व प्रकार के कर्मों से रहित होके ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करके विचरना ही ज्ञान का फल है। जैसा अज्ञान काल में शरीर में अहंकार था कि मैं शरीर हूँ, वैसा ही अहंकार ज्ञान होने पर शुद्ध आत्मा में होता है। इसी को ज्ञान की अवधि कहते हैं। इस रीति से ज्ञान रत्न का कथन किया है। श्री ज्ञान रत्नम समाप्तम।